रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। टेक्स्ट फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रैक सिस्टम की। जैसे हमने मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है और मुझे इसको आपस में अलग अलग करना है, तो हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला होता है जो कि लेफ्ट से जितना डिजिट बोलेंगे उतना डिजिट को अलग कर देता है। फिर मिड का फॉर्मूला होता है, मिड को बोलेंगे जितना डिजिट उतना डिजिट अलग करता है, लेकिन मिड को बताना पड़ता है आपका मिड स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो मैंने बोला कि मेरा जो मिड स्टार्ट है वो तीसरे चौथे पांचवें से है। कुछ बोल रहे हैं सर? या पांच से तीन करेक्टर। और फिर हमारे पास राइट का फॉर्मूला है जो कि राइट से जितना डिजिट बोलेंगे उतना अलग कर देंगे। ये तो हो गई फिक्स। लेकिन जब प्रॉब्लम हो कि हमारे पास इस तरह का लिखा हो, इससे मान लीजिए कि kumar@iptindia.com और मुझे इसमें से आईडी को अलग करना है और साइट अलग करना है, तब कैसे होगा? तो हमारे पास यहाँ फाइंड और सर्च दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। और फाइंड भी फाइंड दोनों एक ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बाइनरी है वही है। तो फाइंड में हमने बोला कि मुझे इस एट द रेट को फाइंड करना है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला स्टार्ट वन से करना है, तो ये आपको सिक्स आ गया। तो फिर मैं यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और हम लेफ्ट से सिक्स जो है यहाँ पे फाइंड का जो रिजल्ट है उसमें से माइनस वन कर देते हैं, आ गया। ऐसे ही राइट का फॉर्मूले के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और हम देंगे कि इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस वन कर दें, तो ये आपको अलग कर देगा, ठीक है। और कॉन्केटनेट और कॉन्केट फॉर्मूला समझाया था आपको कि नहीं सर? टेक ज्वाइन। चलिए अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे मैंने यहां पे लिखा राम और यहां लिखता हूं राम। अब नॉर्मल जो है इसमें इफ वगैरह लगाते हैं तो दोनों उनके लिए बराबर है, बराबर है। लेकिन आपके पास एक एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला में दोनों जब तक एग्जैक्ट केस में नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं होगा, मतलब दोनों एग्जैक्ट केस में पासवर्ड टाइप। तो कभी आपको एग्जैक्ट मैच करना हो तो आप इफ के अंदर एग्जैक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और इसका यूज करें, राइट सर? डाउट इसमें? तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, ओके सर। तो हम जो यहां पे है, अब इसमें एक चीज और आता है फिक्स्ड और डॉलर। एग्जैक्ट जब हम कर लिए तो एक फिक्स और डॉलर भी आता है फॉर्मूला। जैसे कि मैंने 1200 लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कि कोई भी इस पे इस तरह के कुछ सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज ना करे, ठीक है ना, चेंज हो रहा है ना सर? तो आप क्या करें, इसको जो है एक बार जूम करने दीजिए। मैं क्या करूंगा, यहां हम यहां डॉलर डॉलर फॉर्मूले के अंदर अपना नंबर लिख देंगे, जो भी रिजल्ट है तो डॉलर साइन के साथ देगा। लेकिन डॉलर साइन नहीं चाहिए तो फिक्स का फॉर्मूला सेम वर्क करता है कि आप नंबर डाल दो, जो भी नंबर डालना है ये फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर जैसे परसेंटेज लगा दिया या और कुछ लगा दिए या डेट लगा दिया तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। इसका ज़्यादातर यूज हम लोग अमाउंट वगैरह में करते हैं ताकि अमाउंट नॉन चेंजेबल हो। इसका यूज हमने एक्सेल पे किया था सर। हुआ क्या था कि हमारे पास चेक्स आते थे और चेक्स का एक एनेक्चर तैयार करके हमें बैंक भेजना होता था, तो गलती से क्या हुआ कि कंट्रोल शिफ्ट हैश दब गया और चेक का प्रिंट आउट निकल गया जिसमें अमाउंट जो था ना वो डेट फॉर्मेट में चला गया। अब बैंक जमा करने गया, बैंक ने उसको रिसीव किया, अगले दिन बैंक सारे चेक्स वापस कर दिए। मैं फोन कर गया, मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो आपका एनेक्चर्स में अमाउंट नहीं है, तो मतलब हमारे सारे पेमेंट एक दिन लेट हो गया। मुझे इसको लेटर एड पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा इसको अपने क्लाइंट को, क्योंकि हम सीधी फाइनेंशियली भी वर्क करते थे। उसी दिन हमने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारा फिगर चेंज ना हो।
इसका यूज कर सकते हैं। मैनुअल जाके करना पड़ता, क्या मैनुअल मतलब? अब जैसे आपका अमाउंट, सुनिए, आपका अमाउंट कहीं लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम पे आप लगा दीजिए फिक्स का फॉर्मूला लगा दिए ना, और उस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है? हाँ, तो लिंक हो गया ना, इसलिए हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे मेरे पास अमाउंट का कॉलम था, नीचे तक बहुत सारे अमाउंट थे, तो इसके बगल में मैंने फिक्स का फॉर्मूला लगा दिया और अमाउंट को हाइड कर दिया, सो हमारा यही हुआ, ए इससे लिंक हो गया। हाँ, प्रिंट आउट भी इसमें होगा, ठीक है ना। तो हम डॉलर का यूज करते हैं, तो डॉलर समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे एक दो फॉर्मूला है, अरेबिक है, एक दूसरा आपका रोमन है, रोमन यहाँ नीचे दिख रहा होगा, रोमन, दो फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का सीक्वेंस नंबर लिख रहा हूँ, 10, मुझे इसको रोमन नंबर में लिखना है, तो आप यूज कर सकते हैं रोमन का फॉर्मूला। हालांकि एक्सेल में ए जो है ना सर, आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला में आता है। अब देखिए रोमन नंबर, इसको ड्रैग कीजिए, यहाँ रोमन नंबर आ गया सर। अब रोमन नंबर से वापस नंबर लगाना है तो अरेबिक का फॉर्मूला लगाना, अरेबिक जो रोमन को वापस नंबर में कन्वर्ट कर, ठीक है? इसका भी यूज कभी कभी हो जाता है, ज्यादा जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हम तैयार करते हैं तो, क्योंकि रोमन नंबर में हम लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं ना सर, इसलिए है सर। तो फिर हमने कॉन्कैटेनेट कर दिया, डॉलर कर लिया, एडजस्ट कर लिया, फाइंड हमने बात कर ली, फिक्स कर लिया, ज्वाइन, ज्वाइन और टेक्स्ट ज्वाइन दो फॉर्मूले अलग अलग है शायद। ओके, यहाँ पे एक ज्वाइन नया फॉर्मूला आया, पहले नहीं था सर, ये पहले फॉर्मूला नहीं था, सेम टेक्स्ट ज्वाइन की तरह वर्क करता है, ठीक है? नया फॉर्मूला आया है, टेक्स्ट ज्वाइन की तरह वर्क करता है, ज्वाइन फॉर्मूला। नहीं, अच्छा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूंगा, ठीक है? इसको ट्राई करके देखो, नहीं एक मिनट, इसमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है, हाँ हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जब मैं इसे नीचे जब ड्रैग करता हूँ तो क्या होना चाहिए, नीचे से घटना चाहिए, राइट? के लिए मुझे करना होगा, मेरा स्टार्टिंग कहाँ से है वो देखना होगा, स्टार्टिंग को करना होगा, नहीं 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 सर, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है सर। ऊपर की तरफ करेंगे ना, ऊपर की तरफ ऐसे तो घटेगा, हाँ बताता हूँ आपको। जैसे कि हम, आपने यहाँ पे लगाया ज्वाइन का, राइट?
ज्वाइन फॉर्मूले में मैंने बोला कि कॉमा डेलिमिटर है और हमने सेलेक्ट कर दिया ए, कर लिया। एक से लेकर 10 तक है ना, और नीचे ऊपर ड्रैग कीजिए, ठीक है सर। ड्रैग यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इसे ऊपर ड्रैग कर सकते हैं जी। हाँ इसलिए नहीं, यहाँ से कम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक और हो रहा है ना सर, ये नीचे से घट रहा है तो ऊपर भी बढ़ रहा है सर। ऊपर को बढ़ाना है तो इसको फ्रीज करना होगा, ऊपर ना बढ़े, पहले वाले को फ्रीज करना होगा। ड्रैग कीजिए, देखिए आ गया ना 1 से 5, अब आएगा 1 से 4, अब आया आपका 1 से 3 से 2 1, ठीक है। हाँ मतलब क्या, फॉर्मूला शुरुआत में लगा के नीचे लगा, नीचे से फिर ड्रैग कर, समझ गए। लेकिन पहले वाले को फ्रीज कर दीजिए, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। चलिए सबका जुगाड़ कुछ ना कुछ निकल जाता है सर, बस सोचना है। तो हमने कॉन्केटनेट कर लिया, डॉलर का एग्जैक्ट हो गया, फाइन फाइन बी, लेफ्ट लेफ्ट बी और लेफ्ट दोनों एक ही है, लेन बी लेन बी, बी मतलब बाइनरी है, ठीक है सर। लोअर मिड मिड बी प्रॉपर भी मैंने लास्ट क्लाइम बताया था ना आपको, तीन फॉर्मूले लोअर अपर प्रॉपर और प्रॉपर। अब यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट द मैचिंग सबस्ट्रिंग। अब ये तीन फॉर्मूले सर नए आए हैं इधर, मतलब महीने डेढ़ महीने में आए हैं, तो मैं इन फॉर्मूले के बारे में नहीं जानता, तो मैं एक बार कल रिसर्च करके बताऊंगा कि आखिर क्या यूज होता है सर। रिप्लेस रिप्लेस भी हम जान गए, रैप्ड फॉर्मूला मैं अभी बताता हूँ, राइट बता दिया, रोमन हो गया, सर्च भी सेम फाइंड की तरह होता है, इसमें कोई अच्छा अच्छा नहीं है। स्प्लिट एक नया एक अच्छा फॉर्मूला है, वो हम आपको बताएंगे। टेक ज्वाइन हम बता चुके, और टी हाँ, तो तीन चार फॉर्मूला है जो हम आपको हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके सामने स्प्लिट का। अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो अलग की, तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कि सुजीत कुमार सिंह, मुझे तीनों नाम को अलग अलग करना है, राइट। तो यहाँ आप लेंगे फॉर्मूला किसका, स्प्लिट स्प्लिट का। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और किसके बिहाफ से अलग करना है, कॉमा के बिहाफ से अलग करना है, ठीक है ना। और एंटर कीजिए, एक मिनट, नहीं नहीं, नहीं। कॉमा, हाँ सॉरी, हाँ कॉमा नहीं है ना, स्पेस स्पेस, तो स्पेस के बिहाफ से देखिए तीनों में अलग अलग जगहों पे आपको यहाँ चल गया। अब यहाँ पे एक खासियत देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है बट यहाँ फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैं यहाँ करता हूँ राज कुमार शर्मा, तो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मुझे वो तो टेक्स्ट टू कॉलन, टेक्स्ट टू कॉलन है तो फीचर है, फीचर में क्या होगा कि हर बार दबाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला आपने एक बार लगा लिया तो चलता रहेगा। ऑटोमेशन करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना सर। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स डाल दिए यहाँ पे, और इस नंबर से मान ली कहीं कहीं के टेक्स्ट है और कहीं पे नंबर है, फिर टेक्स्ट है नंबर है। तो यह हमारे पास टी का फॉर्मूला होता है जो सिर्फ टेक्स्ट को शो करता है, नंबर को ब्लैंक कर देता है, नंबर को नहीं शो किया। तो अगर मान लीजिए कि एक ही डेट में आपको नेम और टेक्स्ट और नंबर दोनों है, नंबर को फिल्टर करना है, तो इसके बगल में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ब्लैंक इज द नंबर और टेक्स्ट तो टेक्स्ट आ ही जाएगा। इसी का एक अपोजिट होता है एन का फॉर्मूला, जो कि सिर्फ नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को नहीं, टेक्स्ट को जीरो कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीट का फॉर्मूला। रिपीट
रिपीट का फॉर्मूला से हमने ए लिखा और यहाँ पे हमने किया रैप्ट का फॉर्मूला। रैप्ट फॉर्मूला जितना लेट जितना बोलोगे उतना बार में ए रिपीट कर देता है, सिंपली जितना बार हमने बोला उतना बार रिपीट कर देता है। अब बोलेंगे इसका फायदा क्या है, तो आपने स्प्लिट का फॉर्मूला लगाया तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम तीनों अलग हो गया ना। मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ लास्ट का अलग करना है, जैसे किसी का आपका डेटा लिखा हुआ है कि सुजीत कुमार डी 214 के नगर, ऐसे लिख रहा हूँ तो सर ईमेल आईडी है kumar@iptindia.com और यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है, सॉरी नंबर लिखा हुआ है। तो अब मुझे इसमें सिर्फ नंबर अलग करना है, कैसे करेंगे नंबर? तो ये इस पे बताने से पहले मैं इसको आपको सुजीत कुमार वाला जो था ना उस पे बताता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है रैप्ट सिंबल से, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि स्पेस को रैप्ट, रैप्ट में स्पेस दिया और बोला 99 बार रिपीट करो। किसने क्या किया, नाम के बीच में जितने भी नंबर थे स्पेस थे उसको 90 बार कर दिया। फिर मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया, बोला इसमें से 99 स्पेस अलग कर दे। और फिर हमने ट्रीम का फॉर्मूला लगाया और बोला कि सारे स्पेस गायब कर दे। ये चीज हम यहाँ पे इकट्ठा लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रीम का फॉर्मूला क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो ट्रीम दे रहा है ना सर। ट्रीम का फॉर्मूला, ट्रीम के फॉर्मूले में हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, राइट का। राइट में लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूट का और सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सेलेक्ट किया स्पेस और यहाँ पे हमने बोला रैप स्पेस 99 बार और सब्स्टिट्यूट को किया क्लोज और हमने राइट को बोला कि 99 लेटर अलग करो, एंटर मारिए आ गया। सबसे लास्ट बोला अलग करके दे दिया, ठीक है सर। सिंपल यहाँ दिखाया मैंने आपको, हमने क्या किया यहाँ पे लगाया जितने भी स्पेस को सबको 99 बार रिपीट कर दिया, कर दिया ना, दिख रहा है आपको। फिर हमने राइट से 99 ले लिया और राइट से 99 लिया तो कहने मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 10 करेक्टर है तो 10 करेक्टर और के साथ कुछ स्पेस आ जाएगा, जितना बचेगा उतना स्पेस आ जाएगा। तो हमें ये नहीं पता ना कि कितना करेक्टर है, कितना पता है कि 99 स्पेस है। तो राइट से जब 99 लेंगे तो कुछ स्पेस छोड़ के, कितना स्पेस छोड़ेगा, जितना टेक्स्ट जैसे 10 लेटर है तो 10 स्पेस छोड़ के आपको 80 स्पेस और 10 नंबर वाला राइट से कर देगा। और ट्रिम का फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है तो आगे लगे हुए स्पेस को रिमूव कर देगा, नंबर जाने देगा। आया समझ में सर? नहीं, इसको इसको कंसेप्ट समझिए। हमने लगाया सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, देखिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट में फिर हमने लगाया राइट का फॉर्मूला और फिर हमने लगा दिया ट्रिम का फॉर्मूला। अब आपको अगर इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है तो ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से मर्ज कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये तो कर सकते हैं ना सर। देखिए मैं समझा रहा हूं, मुझे इसमें से लास्ट के सिंग को अलग करना था, तीनों के बीच में सेपरेटर क्या है, स्पेस है, समझ में आया। तो मैंने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में रैप फॉर्मूला को देखे, हमने जो स्पेस था उसको 99 बार रिपीट कर दिया। अब हर टेक्स्ट के बीच में 99 स्पेस है, कितने स्पेस है 99। फिर हमने राइट का फॉर्मूला बोला कि भाई राइट से 99 लेटर अलग कर दो, तो इसने आपके नाम लास्ट नेम को और कुछ स्पेस को अलग कर लिया। जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। तो टेक्स्ट कैटेगरी
समझ में आया कि नहीं सर आपको? सर तो टेक, हाँ मतलब कि हाँ वही कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो स्प्लिट का फॉर्मूला मैंने बताया ही, स्प्लिट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कल जो है सबसे पहले जो तीन फॉर्मूले मैंने अभी नहीं बताए हैं वो तीन फॉर्मूले और साथ में डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन के बारे में कल जिक्र करेंगे।